हेलो स्टूडेंट्स, अज आप इस वीडियो दे विच डिस्कस करांगे बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का मतलब कारोबारी जोखम। कारोबारी जोखम दे विच मतलब कि जड़ा भी बिजनेस कुछ अर्न कर रहा वा, जड़ी उनकी अर्निंग कपैसिटी आ उनका लॉस हो सकता वा, जो उनके जड़े बिजनेस के एसेट सीगे उन्हों का लॉस हो सकता वा। बट लॉस होने का रीजन की होंगे, जी अनसर्टेन सिचुएशन। अनसर्टेन सिचुएशन मतलब कि जिस सिचुएशन बारे आपां नूं पता नहीं होंगे, फ्यूचर के किस तरह की सिचुएशन होएगी उनका नहीं क्लीयर होने करके ये लॉस अराइज होंगे। फ्यूचर दे विच कई बार बहुत सारी सिचुएशनस अराइज होंगी है जिस बारे बिजनेसमैन नूं क्लीयरली नहीं पता होंदा। इंदी एक छोटी जी एग्जाम्पल आ, जिस तरह कि पहला दे टाइम दे विच ब्लैक एंड वाइट टीवी की डिमांड होंदी सीगी, बट जदों नवे कलर टीवी मार्केट दे विच इंट्रोड्यूस हो गए, उन्हां दे इंट्रोड्यूस होने के कारण ब्लैक एंड वाइट टीवी की की है डिमांड डिक्रीज हो गई। इन्हां मतलब कि बिजनेस दे की होया बैड इंपैक्ट पिया, उनकी अर्निंग की सीगी लॉस हो गई। सो ये की है एक अनसर्टन सिचुएशन आ जिनके बारे किसी को नहीं पता होंदा, एक परसन के कंट्रोल तो बाहर होंगे। इनू कहिंदा बिजनेस रिस्क या कारोबारी जोखिम, जेडे कि अपने बिजनेस में नुकसान पहुँचाते हैं। अगे इनका नेचर ऑफ द बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के किदा दड़ी विशेषतावान हैं वो हेठ लिखिया दिखाई हुई हैं। जिस तरह सब तो पहला पॉइंट है अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता। अनिश्चितता मत यह एक बिजनेस का पार्ट मनिया जाता वा। बिजनेस रिस्क दे विच अनसर्टेनिटी हमेशा इनवॉल्व होएगी। अनसर्टेनिटी दो कारण करके होएगी, एक तो गॉड करके, एक मैनमेड हो सकती है। गॉड की जिहड़ी परमात्मा द्वारा हो सकती है, तो मैनमेड जिहड़ा मनुख ने अपने रीजन करके ही अपने बिजनेस नू लॉस दिता होवे। पहला आएगा जिस तरह मैनमेड, जिहड़े कंपनी दे विच इंपलॉई काम करते हैं वो स्ट्राइक कर सकते हैं, लॉकआउट कर सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, थैफ्ट हो सकती है, इटसैक्ट्रा, मतलब कोई भी रीजन जिंदे करके बिजनेस नू लॉस हो रहा। पर जे आप अदर साइड देखिए कि नैचुरल अनसर्टेनिटी भी होंदी वा, कुछ कुदरती कारण हो सकते, जिस तरह कि अपने अपने एरिए दे विच फ्लड आ गया, भूचाल आ गया, ठीक है ना, इन्दे करके कि अपनी बिजनेस दे विच रिस्क राइज हो जाता वा। एक ही होंगे अनफेवरेबल होंगे, अपने बिजनेस दे फेवर च नहीं होंगे, ते कई सम टाइम अपने गवर्नमेंट दी पॉलिसीज भी इदा दी होंगे जिहड़ी कि अपने बिजनेस नू लॉस देंगे। नैक्सट आ जाता नेचर ऑफ द बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस अपना किस तरह का वा। जे अपना बिजनेस एक कॉन्सटेंट डिमांड वाले गुड्स में डील करता पाया, उनके मिनीम रिस्क होएगा। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल राइस सॉल्ट, जो आटा दाल दे विच, नमक दे विच, इन्हां दे विच डिमांड दी ज़्यादा चेंज नहीं आता। जे आप दूसरी साइड करिए फैशनेबल गुड्स में अपना बिजनेस की डीलिंग हो रही है, फैशन के अकॉर्डिंग डिमांड चेंज होंदी है। डिमांड सम टाइम डिमांड ज़्यादा भी हो सकती है, तो कदे कदे डिमांड घट भी हो सकती है। एक ही हो गया बिजनेस रिस्क इन्दे विच ज़्यादा होएगा। नैक्सट आ जाता वा अनअवॉयडेबल। बिजनेस रिस्क नूं कदे भी अवॉयड नहीं कर सकते, किन्नी भी कोशिश की जाए इनू पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। पर एक ऑप्शन होंदी है कि इनू मिनीमाइज करन दी। कोई भी बिजनेसमैन इंश्योरेंस पॉलिसी लैके इनू बिजनेस नूं बिजनेस रिस्क नूं रिड्यूस कर सकता, बट इनू की एलीमिनेट नहीं कर सकता। नैक्सट आ जाता साइज ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस का रिस्क उनके साइज से डिपेंड करेगा। जिस साइज अपना समोलर होएगा तो रिस्क भी घट होएगा, तो जे अपने बिजनेस का साइज ज़्यादा होएगा तो रिस्क भी ज़्यादा होएगा। नैक्सट आ जाता प्रॉफिट एज द रिवॉर्ड। जे किसी बिजनेस के विच रिस्क ज़्यादा, जो कोई भी परसन अपने बिजनेस इनवैसट कर रहा वा, जिस टाइम तो उनका रिस्क ज़्यादा होएगा तो एक्सपैक्ट करेगा कि मैनू फ्यूचर के प्रॉफिट भी ज़्यादा होएगा। जे रिस्क ही घट होएगा तो इनका मतलब प्रॉफिट भी घट होएगा। सो आप प्रॉफिट में रिवॉर्ड तौर पर मनते हैं। नैक्सट आ जाता जनरल बिजनेस इनवायरमेंट। जनरल बिजनेस इनवायरमेंट का मतलब जे अपने बिजनेस का इनवायरमेंट पीसफुल आ, तो अपने मार्केट के बेनीफिट आपू ही मिलेगा, क्योंकि बिजनेस का इनवायरमेंट पीसफुल आ, वर्कर अच्छी तरह काम करते पे है, तो इनका मतलब कि आपू किसी तरह का लॉस होने के चांस घट हो। जे अपना इनवायरमेंट पीसफुल नहीं है, वर्कर उत्थे स्ट्राइक करते पे है, रिस्क भी ज़्यादा होएगा। नैक्सट आ जाता कॉम्पीटिशन। मार्केट के जिन्ना ज़्यादा कॉम्पीटिशन होएगा रिस्क उन्ना ज़्यादा होएगा, क्योंकि हो सकता कि अपने कस्टमर दूसरी कंपनी अपने वाल अट्रैक्ट कर ले। सो हायर द कॉम्पीटिशन मोर द रिस्क। नैक्सट आ जाता कॉजेज ऑफ द रिस्क। रिस्क के कि कारण हो सकते हैं।
रिस्क के बहुत सारे कारण होंगे है, मेनली आप 6 पॉइंट इन डिस्कस करांगे। सब तो पहला आ जाता नैचुरल कोजस, कुदरती कारण। कुदरती कारण जिस तरह कि हाड़ आया ना, अग लग गया ना, भूचाल आया ना, ये क्यों होंगे कुदरती कारण। पर इन्हों अगे 3 पार्ट के वंडिया गया वा, सीजनल चेंजस। रिस्क राइज हो सकता वा विंटर समर रेन सीजन के कारण। सीजन मतलब कि यह इफेक्ट करेगा अपनी एग्रीकल्चर में, अपनी हो सकता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन घट जाए ड्यू टू दिस सीजन इफेक्ट। नैक्सट आ जाता जियोलॉजिकल चेंजस, इट मीनस कि अर्थक्विक आ गया। अर्थक्विक दे नाल अपने ते बैड इंपैक्ट पै गया, जिस एरिए अपना बिजनेस सैटअप सीगा उत्थे अर्थक्विक आ गया ते अपनी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्विक इन गुजरात, जिस तरह गुजरात दे विच अर्थक्विक आया से उन्दे नाल बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया सीगा ते बिजनेस भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होया। नैक्सट आ जाता अदर नैचुरल क्लाइमेटी, कोई भी तरह किसी भी तरह की महामारी आ सकती है। जिवें सारियां नूं पता ही आ अज दे टाइम दे विच COVID-19 एक बहुत वड्डी पैंडमिक आ। सो इहनूं आपां की कह सकदे हां, अपने बिजनेस ते भी इफेक्ट पैंदा वा। जदों 2020 दे विच मार्च दे विच लॉकडाउन होया ते सारे बिजनेस एक बारी शटडाउन हो गए सीगे, इहदा मतलब बिजनेसमैन नूं भी रिस्क बीयर करना पिया। लॉस ओह रिस्क ही सीगा, लॉकडाउन एक रिस्क सीगा। रिस्क दे कारण उहनां नूं प्रॉफिट की हो गया, अर्निंग जड़ी सी उनकी घट गई, उन्होंने लॉस हो गया। नैक्सट आ जाता इकनोमिक कोजस, मतलब कि आर्थिक केड़े कारण हो सकते अपने रिस्क दे। इनबैलेंस ऑफ इन डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट दे विच आपा जड़ा प्रोडक्ट बना रहे हैं उन्दी की पता आपां नूं डिमांड घट हो सकता कि अपनी सप्लाई ज़्यादा डिमांड घट हो, डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई घट आ। नैक्सट प्राइस फ्लक्चुएशन इन द प्राइस, मार्केट दे विच प्रोडक्ट का जो प्राइस आ वो वध घट रहा वा, मार्केट च कॉम्पीटिशन बहुत ज़्यादा वा, मार्केट च मंदा चलता पिया वा, प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं हैगी, डिप्रैशन पीरियड चलता पिया। नैक्सट हो सकता टेक्नोलॉजी ही चेंज होगी, ये भी की आ रीज़न बनते आ रिस्क का। नैक्सट आ जाता ह्यूमन कॉजस, कुछ कु मनुख द इदा द एक्टिविटीज़ होंगे जिंद करके बिजनेस में लॉस हों, जिस तरह कि स्ट्राइक एंड द लॉकआउट। बिजनेस के इंपलॉयर तो इंपलॉई के मिसअंडरसटैंडिंग हो गई जिंदा करके उन्होंने स्ट्राइक करती, स्ट्राइक करके प्रोडक्शन बंद हो गई तो बिजनेस में लॉस बीयर करना पै गया। पोलीटिकल रीजन हो सकते जिन्हें करके कोई दंगे हो गए, या फिर हो सकता कि इंपलॉई ने अपने काम के डिसऑनेस्टी शो की हो, अपना काम प्रोपर वे ना करता हो सकता कि उन्हें इंपलॉई ने काम ध्यान ना ही किया हो, जाता वा ह्यूमन कोजस जेडे कि मनुखी कारण होंगे या लॉस दे। अगे आ जाता वा फिजिकल कोजस, इन्हों फिजिकल कोजस के हों कि मार्केट के न्यू इनवेंशन आ गई, नवी मशीन आ गई, तो जिन्हें ओल्ड मशीन सी वो कि उनकी मार्केट डाउन हो गई। ओल्ड मशीन की मार्केट डाउन होने करके जड़ी मशीन जिहड़ी कंपनी वह मशीनस बनाती सी उनका की हो गया लॉस हो गया। एक्सीडेंट हो सकते हैं मकैनिकल डिफेक्ट करके, उस तो बाद किसी भी इंपलॉई की केयरलैसनैस हो सकती है जिंदे करके बिजनेस में लॉस बीयर करना पड़े। अगे आ जाता वा पोलीटिकल कोजस, कुछ कु राजनीतिक कारण बन सकते हैं बिजनेस के रिस्क के, जिस तरह कि चेंज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज चेंज कर लिया लाइसेंस के लिए, टैक्सेशन के लिए। हो सकता कि जड़ी फर्म पहला लाइसेंस नहीं लेंदी सी हुण उन्हें बिजनेस स्टार्ट करन के लिए पहला लाइसेंस लेना पवे, टैक्सेशन के रेट वधा दिते जाण, इंपोर्ट ते एक्सपोर्ट ते रिस्ट्रिक्शन लग जाण, यह की हो सकते पोलीटिकल कोज हो सकते हैं। कोई भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज हो जाती है, या फिर कोई पोलीटिकल सिस्टम ही चेंज हो गया जिनका इफेक्ट अपने बिजनेस पर पै रहा हो। अगे आ जाता मिसलीनियस कोजस, जिस मिसलीनियस कोजस दे विच कोई भी आप डिस्कस कर सकते हैं, जिस तरह कि अपनी मैनेजमेंट ही नहीं वधिया काम करती थी, इनएफिशेंट मैनेजमेंट होने करके अपनी आउटपुट प्रोडक्शन मतलब कि आउटपुट इन्नी वधिया नहीं आ रही। नैक्सट आ जाता रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, प्रॉफिट का की रोल आ अपने कारोबार के विच। आपां सारिआं नूं पहला पता ही है कि जिहड़ा प्रॉफिट की अपना मेन ऑब्जेक्टिव हुंदा किसी भी बिजनेस नूं स्टार्ट करन दे लई। कोई भी बिजनेस आपां बिना प्रॉफिट तो सोच भी नहीं सकते। सो इहदे विच की आपां मेनली 6 पॉइंट डिस्कस करांगे कि किहड़े किहड़े रोल आ प्रॉफिट द्वारा प्ले किए जाते हैं बिजनेस के। सब तो पहला आ जाता सर्वाइवल, कोई भी बिजनेस आ उनके विच कॉम्पीटिशन होएगा,
ठीक है। उस तो बाद टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी हो सकदियां वा, हो सकता कि नैचुरल क्लाइमेटिस आ जान जिंदे करके बिजनेस नू लॉस बियर करना पवे, पर बिजनेस लॉस ता ही बियर कर पाऊगा जे उनके कोल प्रॉफिट होणगे। बिना प्रॉफिट ते बिजनेस की है किसी भी तरह का रिस्क बियर नहीं कर सकता। सो बिजनेस ने सरवाइव करन दे लिए भी प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है। नैक्सट आ जाता वा इंडैक्स ऑफ एफिशेंसी। इंडैक्स ऑफ एफिशेंसी मीनस जे किसी बिजनेस के प्रॉफिट ज़्यादा उनके तो शो हों कि उसकी मैनेजमेंट वधिया काम करती पी है, जे किसी बिजनेस के प्रॉफिट ही लो होंगे इनका मतलब कि उन्होंने मैनेजमेंट बहुत घट काम करती पी है। नैक्सट आ जाता इनसेंटिव। इनसेंटिव मतलब कि जो कोई भी परसन बिजनेस स्टार्ट करता वह रिस्क ता ही लैने लिए तैयार होएगा जो उसू किसी उनके रिटर्न के प्रॉफिट मिलेगा। सो एक तरह का बिजनेस ता ही स्टार्ट किया जाता वा प्रॉफिट मोटिव दे। नैक्सट आ जाता गुडविल। गुडविल का मतलब कि जिहड़ी शाख होएगी रैपूटेशन जिन्हों कह सकते हैं आप, जदों किसी बिजनेस नूं प्रॉफिट वधिया होणगे उनकी मार्केट के इमेज भी वधिया हो जाती है। तो इन्हें की आपां नूं हैल्प मिलेगी, बिजनेस नूं फंड ईजली मिल सकते हैं, वो टाइमली पेमेंट कर सकता अपने सप्लायर नूं, रेमुनरेशन वधिया दे सकते हैं वर्कर नूं। नैक्सट आपां हायर डिविडेंड दे सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स नूं, तो गुड वर्किंग कंडीशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं इंप्लॉइज़ नूं। नैक्सट आ जाता ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। एक बिजनेस के प्रॉफिट होंगे जेडे कि बिजनेस में अगे एक्सपेंड कर हैल्प करते हैं। जे किसी फर्म को प्रॉफिट होंगे वो अगे उन्होंने इनवैसटमेंट कर सकता, उस इनवैसटमेंट तो प्रोडक्शन आएगी, प्रोडक्शन तो अपने की है प्रॉफिट दोबारा फिर इनक्रीज होंगे। सो प्रॉफिट की है ग्रोथ तो एक्सपेंशन के भी हैल्प करगा। नैक्सट आ जाता सैटिस्फाइड ह्यूमन नीड एंड द वॉन्ट्स। जिहड़े पीपल्स आ पीपल दी नीड सैटिस्फाइड बिजनेस करेगा उन्होंने की प्रोडक्ट प्रोवाइड करके, बट प्रोडक्ट जिहड़े प्रोवाइड किए जाएंगे उस दे नाल बिजनेस की सेल होएगी, उस सेल तो उन्हां दी प्रॉफिट अर्निंग इनक्रीज हो जाती है। सो प्रॉफिट अर्निंग की करती है इन डायरैक्ट वे दे विच लोकां दी नीड्स ते वॉन्ट्स नूं सैटिस्फाइड करन च हैल्प करती है। नैक्सट आ जाता इवैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़। इवैल्यूएशन मतलब कि बिजनेस एक्टिविटी कदों स्टार्ट हुई है, किवें स्टार्ट हुई है, एक किस टाइम ते स्टार्ट हुई है, इस बारे तो एग्जैक्ट किसी नूं नहीं पता, बट एक तरह का ऑब्जर्व किया जाता स्टेजेस कि स्टेजेस के थ्रू अपना बिजनेस की है डिवेलप होया अगे वध्या वा। सब तो पहली स्टेज आ जाती हंटिंग स्टेज है, जिमें सारे पता कि जिमें अर्ली मैन से जोड़े पहले जंगलों में रेंदे होंगे सी, उन्होंने सिर्फ बेसिक नीड्स होंदिया सगिया जो खाना खाना कपड़े तो उन्होंने छत रहने लिए छत चाहिए आ। उन्हां जरूरतां नूं पूरा करन दे लई मनुख की हुंदा सीगा जंगलां ते डिपेंड करदा सीगा, ठीक है, ते एनिमल दा मीट यूज करदा सीगा अपने फूड दे लई। नैक्सट आ जाता वा पैस्टोरल स्टेजस। इस स्टेज दे विच मनुख ने यही लर्न किया कि जिहड़े आपां डोमैसटिकेशन आपां कर दिए, जे आपां पशुआं नूं एनिमल्स नूं घरे रखना शुरू कर दिए उन्हां तों आपां नूं बेनीफिट मिलदा, जिस तरह उन्हां तों मिल्क लै सकते हैं, उन्हां तों मीट लै सकते हैं, तो होर भी स्किन लै सकते अपनी क्लोथिंग दी यूज करन दे लई। नैक्सट आ जाता एग्रीकल्चर स्टेज। इस स्टेज दे विच ह्यूमन बीइंग ने की किया कि सीड्स नूं ग्रो करना स्टार्ट करता, एग्रीकल्चर स्टार्ट करती है। वह एग्रीकल्चर नूं की करता सीगा सारे लोग अपने दे आपस दे विच कॉमनली डिवाइड कर लेंदे सीगे। इस तों बाद नैक्सट स्टेज आई है बार्टर स्टेज। बार्टर स्टेज का मतलब कि जिहड़े लोग एग्रीकल्चर करते पे सीगे उन्होंने होर भी ज़्यादा करनी शुरू की, जिस टाइम ते आउटपुट इनक्रीज़ हुई, आउटपुट इनक्रीज़ होने के नाल उन्होंने आपस दे विच एक्सचेंज करते गुड्स एक्सचेंज विद द गुड्स, ये बार्टर सिस्टम दे विच कीता जांदा सीगा। नैक्सट आ जांदा मनी इकोनमी। मनी इकोनमी दे विच मनी इकोनमी आन का मेन रीज़न ये सीगा कि बार्टर सिस्टम तो कई लोग सैटिस्फाइड नहीं सीगे, बार्टर सिस्टम की ड्रॉबैक करके मनी इकोनमी की है मार्केट दे विच इंट्रोड्यूस हुई सीगी, तो हुण गुड्स की एक्सचेंज होंदी सीगी मनी दे नाल, बट बार्टर सिस्टम दे विच गुड्स एक्सचेंज की जांदी सीगी गुड्स दे नाल। नैक्सट आ जांदा टाउन इकोनमी।
टाउन इकोनमी दे विच जिहड़ी फैमिली सीगियां बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रही सीगियां, जिस तरह कलस्टर सीगे फैमिली दे कलस्टर सीगे वह पिंडां दे विच बदल गए सीगे, ते जिहड़े कई पिंड सी पिंडां नूं शहरां विच डिवाइड करता सीगा, इह टाइम दे अकॉर्डिंग ही सारा कुछ होया सीगा। नैक्सट आ जांदा वर्ल्ड इकोनमी। वर्ल्ड इकोनमी दा मीनस हौली हौली जिस तरह कि टाइम पास होया उस दे नाल ही उन्होंने सी रूट्स मतलब कि समुद्री रस्तिया की खोज की, जिवें 15वीं 16वीं 17वीं सदी दे विच इनवेंशन की गई, ट्रांसपोर्टेशन की खोज की गई, कम्युनिकेशन किया गया लोगों नाल, इस तरह ही अपने बिजनेस की एक्टिविटियां बहुत एक्सपेंड हुई। बट एग्जैक्ट किसी को नहीं पता कदों स्टार्ट हुई है, इस स्टेज जरूर फॉलो की गई सी बिजनेस दे विच। सो स्टूडेंट्स आप अज दे टॉपिक दे विच डिस्कस किया सीगा कि अपनी बिजनेस एक्टिविटी, एक किया सी अपना प्रॉफिट दा की रोल अपने बिजनेस दे विच, ते बिजनेस रिस्क की हुंदा वा, इन दा बिजनेस रिस्क दे की कॉजस सीगे अते इन दा की फीचर्स हन। सो आई होप कि तुहानू सारयां नू समझ लग गया होवे। थैंक यू।